हेलो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं या लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनका आपस में हमने इंटरेक्शन पहले भी पढ़ा है। हमने इससे पहले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ा जिसमें दो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ के प्राणी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करते हैं। आज हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे जिसका अर्थ है एक ही जाति के या एक ही प्रकार के प्राणियों में आपस में किस प्रकार का क्रियाकलाप होता है, एक आपस में किस प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं और उससे उनकी पॉपुलेशन पे किस प्रकार का असर होता है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। कंपटीशन जब भी प्राणी एक स्थान पर रहते हैं या किसी कॉमन एरिया को शेयर करते हैं तो उस केस में वो वहाँ पर जो भी फूड रिसोर्सेज हैं, वाटर है या मेट है, उन सबको शेल्टर, इन सबको भी शेयर करते हैं या इन सबको भी यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उनमें प्रतिस्पर्धा उस रिसोर्सेज के लिए होती है। कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी होता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी। इसका अर्थ ये है कि भोजन या अन्य चीज़ों के लिए दूसरी जाति के प्राणियों से भी प्रतिस्पर्धा होती है और खुद की अपनी जाति के प्राणियों से भी। लेकिन कंपटीशन खुद की जो स्पीशीज़ के एनिमल्स हैं या अपने ही तरह के प्राणी हैं उनमें ज़्यादा सीवियर होती है, या हम कह सकते हैं कि इसका इंटेंसिटी जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि एक ही प्रकार के जातियों, एक ही प्रकार के प्राणियों की आवश्यकताएं भी समान होती हैं। वो एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं, एक ही प्रकार के स्थान पर रहना प्रेफर करते हैं और साथ ही में उनकी मेट या रिप्रोडक्शन के लिए भी उनकी कॉमन चॉइसेस होती हैं। तो इस कारण से इनकी कंपटीशन का जो इंटेंसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होती है और सीवियर होती है। कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दो तरह से हो सकता है। पहला है डायरेक्ट, जिसमें दो प्राणी एक दूसरे से डायरेक्ट आपस में फिजिकली कॉम्बैट करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आपस में लड़ाई करना, युद्ध करना या किसी रिसोर्सेज को चुरा कर उठा कर भाग जाना। इस केस में दोनों का आपस में आमना सामना होता है और उसके फलस्वरूप जो भी रिजल्ट है वो होता है। दूसरा इसका प्रकार है इनडायरेक्ट या एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन। इस प्रकार के कंपटीशन में कभी भी जो प्राणी हैं वो आपस में फिजिकली आमने सामने नहीं होते, या कह सकते हैं कि उनमें आपस में कॉम्बैट नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, एक दूसरे को फिजिकली हर्ट नहीं करते, लेकिन उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए होती है उन रिसोर्सेज का एक प्राणी आवश्यकता से अधिक यूज़ कर लेता है, जैसे भोजन है, घास है, अगर वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर ले तो डेफिनेटली दूसरे प्राणी के लिए वो चीज़ें कम बचती है। तो इस तरह से अपने आप ही उससे कम्पीट करके उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कम चीज़ें पीछे छोड़कर उसको हानि पहुँचाई गई है, उसकी फिटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि जब रिसोर्सेज कम अवेलेबल होंगे तो दूसरा जो प्राणी है उसकी फिटनेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन, जिसमें रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने के कारण अब ये रिसोर्सेज कम बच जाते हैं और कम बचने के कारण दूसरे प्राणी को कम उपलब्ध होते हैं और जिससे उसको नुकसान पहुँचता है। दूसरा इंटरेक्शन का प्रकार है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का अर्थ है कि अपने ही जाति के प्राणियों की अंगों को या संपूर्ण एनिमल की शरीर को खाना। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो कार्निवोरस एनिमल में होता है, और इवन हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी जो ट्राइबल स्पीशीज़ होती हैं या जो आदिवासी जो होती हैं जातियाँ, उनमें भी कुछ में अभी भी कैनिबलिज्म देखा जाता है, उनमें पाया जाता है। कैनिबलिज्म के केस में जो ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, और इस ये जनरली तब बढ़ जाता है जब फूड की शॉर्टेज होती है, जब भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस केस में एनिमल एक दूसरे को खाने लगते हैं, एक दूसरे को किल करने लगते हैं और उसी को खाकर सर्वाइव करते हैं। और कैनिबलिज्म का रिज़ल्ट ये होता है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, कंट्रोल आ जाती है, और जिसके फलस्वरूप जो फूड रिसोर्सेज है जो कम थे वो अब उनके लिए पर्याप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन के बढ़ते ही उस पर नेचर ने अपने आप एक तरह से चेक लगाया या उसको रोका, और कैनिबलिज्म के थ्रू एक पर्टिकुलर नंबर तक वापस पॉपुलेशन को नीचे लेके आ जाती है। कैनिबलिज्म के फलस्वरूप इसमें एक प्रकार का रिस्क रहता है, वो है पैथोजन का ट्रांसमिशन। अगर किसी एक प्राणी में कोई पैथोजन था, कोई बीमारी थी, और अगर उस प्राणी को कोई उसी जाति के किसी और
एनिमल ने खा लिया है तो वो बैक्टीरिया या वायरस या वो भी वो रोगजनक जो है वो दूसरे प्राणी में, दूसरे खाने वाले प्राणी में पहुंच जाता है और इस तरह से रोग का प्रसार आगे से आगे होता जाता है। कॉपरेशन या सहयोग, ये एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन है जो एनिमल्स का आपस में सर्वाइवल बढ़ाता है या उनको एक तरह से बेनिफिट करता है। सहयोग की जो प्रवृत्ति है ये आप छोटे से छोटी चींटी में या आप बड़े से बड़े, हम देख सकते हैं कि मनुष्यों में भी पाई जाती है। इस तरह से हम एक दूसरे को सहयोग करके अपना भी फ़ायदा करते हैं और सामने वाले इंडिविजुअल को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी एक काम को करना, किसी एक गोल के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपस में किसी एक काम को साथ मिलकर करना ही कॉपरेशन कहलाता है और इससे सदैव सर्वाइवल रेट बढ़ती है। जैसे आपने चींटियों को देखा होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी वो भोजन के कणों को लेकर जाती है तो अगर रास्ता लंबा है या बहुत दूरी है तो उस केस में वो फूड का जो पार्टिकल है वो दूसरी चींटी को पकड़ा देती है, जिससे कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे से आगे पास ऑन करते जाते हैं। इस तरह से सहयोग करके उन्होंने अपना भोजन एकत्रित कर लिया। या प्राइमेट्स या मंकीज में भी देखते हैं, वो एक दूसरे को क्लीन करने में, बालों को साफ करने में या उसमें जो भी चीज़ें फंसी हुई है उसको निकालने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एग्रीगेशन या एकत्रण, ये इस प्रकार का इंटरेक्शन है जो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। एकत्रण में एक ही जाति के प्राणी टेम्परेरली किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये इनका परमानेंट एसोसिएशन नहीं है, मतलब ये हमेशा के लिए साथ नहीं पाए जाएंगे, ये कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, कोई क्रियाकलाप करेंगे या हो सकता है इनडिफरेंट रहें, एक दूसरे को प्रभावित ना करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, लेकिन एक ही स्थान पर इनका एकत्रण होता है। इस तरह का आप इंटरेक्शन देख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप है और कोई छाया वाला पेड़ अगर मिलता है एनिमल्स को तो वो सारे उसके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इस केस में वो ना एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं ना एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो कुछ देर के लिए वहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। या जैसे हम देखते हैं कि कोई नमी युक्त स्थान है, वहाँ पर जो पत्थर रखे होते हैं, लंबे समय से जो पत्थर पड़े हैं उनको अगर कभी आप हटाएँ तो उसके नीचे कई सेंटीपीड्स जो हैं वो इकट्ठे पाए जाते हैं। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ एग्रीगेशन। In some cases, it may also increase competition. Society formation या एक तरह से हम कह सकते हैं colony का निर्माण करके रहना, ये highest level of positive interaction है जिसमें animals permanently एक दूसरे के साथ रहना सीख जाते हैं। एक ही जाति के जो individual हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं एक group के रूप में या एक colony के रूप में, जिसको हम society भी कह सकते हैं इनकी, और इस प्रकार ये एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही इनमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, फंक्शनल तथा स्ट्रक्चरल। इस प्रकार के मेंबर्स जो कॉलोनी में रहना शुरू कर देते हैं इनको सोशल एनिमल्स कहते हैं, इनमें कई सोशल इंसेक्ट्स भी होते हैं और ये हमेशा आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं तथा कभी भी ये अपनी सोसाइटी, अपनी कॉलोनी से बाहर अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब सारे इंडिविजुअल साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मिलकर काम करेंगे, मिलकर फ़ायदा पहुंचाएंगे और ये इस चीज़ के लिए परमानेंटली मॉडिफाई हो जाते हैं, इनका शेप, साइज़, फंक्शन भी इस आधार पे बट जाते हैं। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का अर्थ है कि इनके काम बट जाते हैं। किसी भी कॉलोनी के अंदर कुछ सोल्जर्स होते हैं जो बाहर से आने वाले आक्रमण को रोकते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि फूड आइटम्स इकट्ठा करके लाएंगे, कोई क्वीन होगी, ड्रोन होते हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में सहयोग करते हैं। इस तरह से हर एक इंडिविजुअल का काम बढ़ जाता है और उस काम के आधार पर ही उसकी मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो एक बार जब ये स्पेशलाइज हो जाते हैं या इनमें विशेष रूप से मॉडिफाई हो जाते हैं तो ये अपनी कॉलोनी के बाहर अकेले जीवित नहीं रह पाते, इनको जीवित रहने के लिए और लोगों के सहयोग के और साथ की आवश्यकता होती है। इसी को हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर्मेशन या कॉलोनी फॉर्मेशन। ये हाईएस्ट लेवल का इंटरेक्शन है और इस प्रकार के इंटरेक्शन जब भी होता है, जब भी इस तरह की कॉलोनी डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स या समय के साथ जब इनका इवोल्यूशन हुआ है, तो इस प्रकार के प्राणियों में कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ लैंग्वेज या फेरोमोन्स या कुछ केमिकल्स डेवलप होते हैं, हो गए हैं ओवर द टाइम, और जिससे कि ये एक दूसरे को सूचित कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि किसी एक जगह पर अगर मधुमक्खी को
मार दिया गया है या उसको नुकसान पहुंचा है तो उससे कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि बाकी सारी मधुमक्खियों को भी एकदम अलर्ट कर देता है कि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। या अगर हम किसी एक चींटी को डिस्टर्ब करते हैं तो उससे आसपास की सारी चींटियों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और या इवन मंकीज़ का अगर हम देखें तो मंकीज़ भी एक दूसरे को आवाज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन केस ऑफ सोशल इंसेक्ट। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो हमने आज पढ़े हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ बेनिफिशियल पॉजिटिव भी होते हैं जो हमेशा एनिमल को बेनिफिट देंगे, उसको अच्छे सर्वाइवल में रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। जबकि जो नेगेटिव इंटरेक्शन है ये एनिमल को इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी सर्वाइवल, उनकी फिटनेस और साथ ही में उनका रिप्रोडक्शन रेट को भी कम कर देते हैं। और कॉलोनी फॉर्मेशन सबसे स्पेशलाइज्ड प्रकार का इंटरेक्शन होता है। धन्यवाद।